नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फोर नेशन पर। करीब 54 साल बाद बिहार में सबसे बड़ा जल प्रलय देखने को मिल रहा है, जब कोसी और गंडक से रिकॉर्ड पानी जो है बिहार में छोड़ा जा रहा है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से जो है कोसी बराज और गंडक बराज से करीब करीब 6.25 लाख क्यूसेक पानी जो है वो अब तक बिहार में छोड़ा जा चुका है। आने वाले घंटों में ये और ज़्यादा जो है ये फिगर्स बढ़ने वाले हैं, और इसके बाद जिन जिन जिलों से होकर के कोसी या फिर गंडक गुजर रही है, महानंदा गुजर रही है, उन तमाम जगहों पर जो है कोहरा मचना शुरू हो गया है। एक तरीके से कहें कि तस्वीरें लगातार भयावह होती जा रही हैं। रात का वक्त है, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए ये कोसी बराज की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब जो बराज है उसके ऊपर से, यानी कि जो सड़क है जो कि नेपाल और भारत को जोड़ती है, बिहार और नेपाल को जोड़ती है, उस बराज के ऊपर से पानी ओवरफ्लो करने लगा है। सुबह की तरफ तस्वीरें दिखा रहे थे, लगातार जो है वाटर डिस्चार्ज जो है उसमें तेजी आ रही थी। बीते देर रात जो है 3 लाख की उसके आसपास में पानी छोड़ा गया, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते आज ये आंकड़ा अब करीब करीब 6.25 लाख की उसे का हो चुका है, और आने वाले कुछ घंटों में ये 6.5 लाख की उसे के आसपास के आंकड़े को पार कर सकता है। ऐसे में देखिए किस तरीके से तमाम जो फाटक हैं वो खोल दिए गए हैं कोसी बराज के, लेकिन अब पानी जो है कोसी जिस तरीके से विकराल रूप इख्तियार किए हुए है, तो उसका जो 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 जो, जो बहाव है अब उस बराज के ऊपर से जो है लांघने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक वहां का एक फाटक भी टूट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, और इससे मुसीबत और बढ़ गई है। बिहार के तमाम इलाकों में जहां से ये नदी गुजर रही है वहां पर एक तरीके से कहें कि विशेष चौकसी बरती जा रही है। तमाम लोगों को निचले इलाकों से खाली कराया गया है, कैंप्स लगाए जा रहे हैं, और लोगों से लगातार जो है अपील की जा रही है कि लोग बाढ़ प्रभावित इलाकों से छोड़कर निकल जाएं। इसके पहले बिहार में 54 साल पहले इतनी बड़ी तबाही देखने को मिली थी। उसके बाद जब साल 2008 में कुशहा तटबंध टूटा था तो उस वक्त भी इसी तरीके की तबाही दिखी थी। ऐसे में बिहार के कई ज़िले हैं जो कि कोसी के रास्ते में हैं, और इस रास्ते में कोसी जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ पर तबाही होगी। तस्वीरें क्योंकि अभी तक पानी निकल जो है डिस्चार्ज हो रहा है जो सप्त कोसी या फिर जो कोसी बराज है वहाँ से, और लगातार जो है वो बिहार की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि कोसी जो है वो गंगा में मिलती है कुर्सेला के पास, तो उस पूरे फ्लो एरिया में जहाँ जहाँ तक जो भी इलाके जो बसावट होंगे वो सब उसके जद में आएंगे। तो तस्वीरें लगातार भयावह हो रही हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोसी बराज के ऊपर की। दोपहर बाद से ही इस पूरे बराज को सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए खोला गया है, बाकी इस पूरे बराज को आम लोगों के मूवमेंट के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि फिर भी वहाँ के कुछ स्थानीय लोग जो हैं जान को हथेली में डाल करके वहाँ पर उस बराज के हिस्से में जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्योंकि जब कोसी नेपाल से निकलती है और जब इस बराज से होकर के बिहार में एंटर करती है, और ख़ास करके बारिश के मौसम में, तो इसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। बिहार का शोक कहते हैं इस नदी को। और क्योंकि 54 साल बाद ऐसी स्थिति आई है कि जब कोसी में जो कुल अनुमानित जो वाटर डिस्चार्ज होना है वो करीब करीब 6.5 लाख क्यूसेक का है, इसके पहले जो है 54 साल पहले जो है ये 7.18 लाख क्यूसेक का था। यानी कि लगभग 54 साल पहले वाली ही हालात यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और अगर ऐसा सब कुछ होता है तो बहुत बड़ी तबाही बिहार में जो है वो आ गई है, और धीरे धीरे करके वो अपना तांडव भी मचा रही है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।